मुंबई में नागरिकता कानून के खिलाफ जारी धरने में आधी रात को मचा हंगामा, पुलिस के पहुंचने से भड़की महिलाएं। घटनास्थल पर लगाए गए शेड को पुलिस ने की हटाने की कोशिश, प्रदर्शनकारी महिलाओं से हुई धक्का मुक्की। हंगामा बढ़ने पर आसपास के लोग भी घटनास्थल पर जमा हुए, नारेबाजी के बीच पुलिस टीम को लौटना पड़ा खाली हाथ। सर हम लोग यहाँ पे ओस पड़ता है, पीछे बैठ नहीं सकते हैं, इसके लिए हमने वो छोटा सा सेट लगाया था, बात इतनी बड़ी नहीं थी। बड़े पैमाने में पुलिस आके हमको ये काटने के लिए उठाने लगी, धक्कम धक्की करने लगी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाया बेवजह तंग करने का आरोप, कहा महिलाओं की छतरी तक छीन रहे हैं पुलिस वाले। भारत में पैर पसारता जा रहा है कोरोना का खौफ, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा, अब तक कुल 30 मामले सामने आए। गाजियाबाद के एक शख्स में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि, 23 फरवरी को ईरान के तेहरान से लौटा था परिवार। गाजियाबाद के कोरोना पीड़ित की पत्नी बेटे के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए, सभी को आइसोलेशन में रखा गया। कोरोना की दहशत के चलते हैदराबाद से जियारत के लिए गए 11 भारतीय मशहद शहर में फंसे, सरकार से की मदद की अपील। 11 जायरीन हैं जिसमें 8 औरतें हैं और 3 मर्द हैं सिर्फ, लोग मशहद में आए, पर यहाँ आने के बाद हमें मैसेज मिला कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। इसलिए हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं हमारे लिए इंडिया आने का इंतज़ाम करें। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर किया गया सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का इंतजाम, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जायजा लिया। कोरोना से निपटने की तैयारियों की PMO कर रहा है निगरानी, PM मोदी ने टाला ब्रसेल्स का दौरा। दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल 31 मार्च तक रहेंगे बंद, कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने उठाया एहतियाती कदम। दौसा में भी एक संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना से संक्रमित इटली के पर्यटकों के संपर्क में आया था होटल का गार्ड। हरियाणा के झज्जर में जर्मनी से लौटी महिला में कोरोना संक्रमण का शक, आइसोलेशन वार्ड में हो रही है निगरानी। मेरठ में भी कोरोना के 3 संदिग्ध मिले, 2 पुरुषों और 1 महिला के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मोहाली में एक संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना पीड़ित अमेरिकी नागरिक के संपर्क में आया था युवक। गया में चीन से लौटे मेडिकल छात्र में दिखे कोरोना के लक्षण, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। झांसी में विदेश यात्रा से लौटे 23 लोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, 7 लोगों का मेडिकल किया गया। सियासत में भी कोरोना वायरस की एंट्री, लोकसभा में बीजेपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने की राहुल गांधी और सोनिया की कोरोना जांच की मांग। संसद परिसर में भी कोरोना को लेकर दिखी चिंता, मास्क में नजर आए कई सांसद। कोरोना की वजह से ताजमहल में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट, थर्मल गन से हो रही है सैलानियों की चेकिंग। त्रिपुरा में बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF ने लगाया कोरोना जांच कैंप, सरहद पर आने जाने वालों की हो रही है स्कैनिंग। बॉलीवुड पर भी दिखी कोरोना वायरस की दहशत, एक्ट्रेस कृति सानन, सनी लियोनी ने भी चेहरे पर चढ़ाया मास्क। कोरोना की बढ़ती दहशत के बीच सोलन से राहत की खबर, चीन से लौटे 18 लोगों में नहीं मिले कोरोना वायरस के लक्षण, 28 दिन की निगरानी के बाद मिली छूट। खस्ता हाल हुए निजी क्षेत्र के यस बैंक के बोर्ड को RBI ने किया भंग, SBI के पूर्व CFO प्रशांत कुमार के हाथ में दी कामकाज संभालने की तात्कालिक जिम्मेदारी। बैंक के ग्राहकों के लिए 1 महीने में सिर्फ 50,000 निकासी की सीमा तय, गुरुवार शाम 6 बजे से लागू हुआ RBI का ऑर्डर। अपनी कमाई पर संकट के डर से यस बैंक के ATM पर शाम से ही उमड़ पड़ी भीड़, कई शहरों में पैसे निकालने के लिए लंबी कतार। पैसे निकालने की हड़बड़ी में कई जगहों पर हालात बेकाबू हुए, ATM के बाहर तैनात की गई पुलिस। आर्थिक संकट में फंसे यस बैंक को बचाने के लिए SBI बढ़ा सकता है कदम, सूत्रों का दावा जल्द हो सकता है हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान। नरेश गोयल और उनकी पत्नी से 7 घंटे तक ED ने की पूछताछ, जेट एयरवेज के पूर्व मालिक के घर पर पड़ा था मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापा। मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक हुई तेज, बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डांग के इस्तीफे की अटकलें, CM और स्पीकर ने किया इस्तीफा मिलने से इनकार। सियासी संकट के चलते देर रात को CM कमलनाथ की आवास पर हुई बैठक, मंत्रियों ने कहा ऑल इज वेल। कांग्रेस के एक और विधायक बिसाहूलाल के परिवार ने दर्ज कराई गुमशुदगी की शिकायत, विधायक के बेंगलुरु में होने की चर्चा। तोड़फोड़ की सियासत में कांग्रेस ने भी किया पलटवार, बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने CM कमलनाथ से की मुलाकात, इस्तीफा देने की अटकलें तेज। कांग्रेस को समर्थन दे रहे SP BSP विधायकों का दावा, अपनी मर्जी से गए थे गुरुग्राम, किसी ने नहीं बनाया था बंधन। लखनऊ की सड़कों पर लगे CA विरोधी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों के पोस्टर, प्रशासन ने भेजा नुकसान की वसूली का नोटिस। आरोपियों को 30 दिन के भीतर जमा करनी होगी रकम, वरना कुर्क की जाएगी संपत्ति। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर पर सुप्रीम कोर्ट के अपमान के मामले में आज होगी सुनवाई, बुधवार को कोर्ट ने हर्ष मंदर से मांगी थी सफाई।
दिसंबर में सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हर्ष बंदर के विवादित भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली पुलिस ने की है अवमानना केस चलाने की मांग। दिल्ली में दंगों के आरोपी आप पार्षद ताहिर हुसैन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट की पार्किंग से पुलिस ने किया था गिरफ्तार। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चांदबाग आसपास के इलाकों में ही था ताहिर, सीडीआर रिपोर्ट से खुलासा। गिरफ्तारी के बाद से ही ताहिर हुसैन से पूछताछ, सूत्रों का दावा, सवाल जवाब की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है क्राइम ब्रांच। गुरुवार को अदालत में सरेंडर करने की फिराक में था ताहिर हुसैन, कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र का मामला बताकर खारिज की अर्जी। गिरफ्तारी से कुछ ही देर पहले आज तक के कैमरे पर ताहिर हुसैन ने बीजेपी पर लगाया था साजिश का आरोप, नार्को टेस्ट करवाने की चुनौती दी। पुलिस के हाथ लगी दिल्ली हिंसा में फायरिंग करने वाले शाहरुख की कार और मोबाइल, पिस्तौल की अब भी तलाश जारी। गोकुलपुरी हिंसा में जख्मी एसीपी से मिले दिल्ली पुलिस प्रमुख एसएन श्रीवास्तव, अनुज शर्मा ने ही बचाई थी डीसीपी शाहदरा की जान। दंगों में घायल डीसीपी की पत्नी ने बताई पूरी कहानी, कहा बातचीत के लिए बुलाकर अचानक भीड़ ने घेर लिया था। बातचीत करने के लिए मैं अंदर गया उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने एकदम से ही उस सारी चीजों को वायलेंस में बदल दिया, उन्होंने घेर लिया अमित को जो कि सर्विस रोड के। लोकसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए कांग्रेस के 7 सांसद, दिल्ली हिंसा को लेकर सदन में हंगामे के चलते स्पीकर का फैसला। टेक द नेसेसरी एक्शन, एक जांच कमेटी बिठाने के लिए मांग भी हम करते हैं उन लोगों के खिलाफ और आगे, क्योंकि दिस इज द ग्रेवेस्ट, दिस हैज नेवर बीन हर्ड एंड सीन। 7 सांसदों को सस्पेंड करने पर कांग्रेस साग बबूला, स्पीकर के फैसले को बताया काला दिन। तानाशाही की निदर्शन है, तानाशाही की मिसाल खड़ा कर रहे हैं और नहीं चाहते दिल्ली दंगे के बारे में चर्चा हो। हम सब विरोध किए थे, मैं भी विरोध किया, मुझे क्यों निलंबित नहीं करते ये लोग, तानाशाही चलता है। निर्भया के गुनहगारों के लिए जारी हुआ 4th डेथ वारंट, 20 मार्च सुबह 5:30 बजे तय हुई फांसी का। दोषी विनय शर्मा की राष्ट्रपति के पास दया याचिका अभी विलंबित, पहली याचिका अधूरी होने का हवाला देकर दोबारा दाखिल की थी अर्जी। नए डेथ वारंट से गुनहगारों के वकील आग बबूला का, अभी भी बचे हैं कानूनी विकल्प। लीगल रेमेडी अभी बची हुई है, अक्षय की कोर्ट में देखा, अक्षय की मर्सी पिटीशन जेल में रिसीव कराई, कोर्ट में पूछा कि जेल में मर्सी पिटीशन अक्षय की है, जेल ने कहा हाँ है, राष्ट्रपति भवन की रिसीविंग दिखाई। निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 23 मार्च को अगली सुनवाई, गृह मंत्रालय ने दी है याचिका। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, गेट नंबर 8 के पास से जिंदा कारतूस के साथ धरा गया एक शख्स। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तानी बंकर पर सेना ने एंटी टैंक मिसाइल से प्रहार किया, कुछ दिन पहले हुए ऑपरेशन की तस्वीरें आई सामने। मणिपुर के थूबल जिले में 10वीं की परीक्षा के दौरान बवाल, नकल के आरोप में बाहर किए छात्रों ने दबंगों के साथ मिलकर परीक्षा केंद्र पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले चलाकर हमलावरों को खदेड़ा, परीक्षा केंद्र पर बची भगदड़ में करीब 15 छात्र जख्मी। इंग्लैंड दौरे पर गए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के एक वीडियो पर उठा विवाद, कहा अंग्रेज होते हैं राष्ट्रभक्त, हिंदुस्तान में नहीं कानून की इज्जत। इनमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई है, यहाँ कानून का भय भी है और कानून के लिए लोगों के दिलों में इज्जत भी है, हमारे यहाँ तो कानून की इज्जत करना हम जानते ही नहीं, भय भी। सीतापुर से बरेली जेल शिफ्ट किए गए आजम खान, पत्नी और बेटे सीतापुर जेल में ही रहेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में विपक्ष का हंगामा, दरोगा भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने पर सरकार को घेरा। गाजियाबाद में आसमान से गिरा आग का गोला, घटना से इलाके में सनसनी। मुंबई के दहिसर में कई दुकानों में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश में आज होगा नमस्ते ओरछा फेस्टिवल का शुभारंभ, गायिका शुभा मुद्गल समेत कई जाने माने कलाकार बनेंगे मेहमान। मध्य प्रदेश के कटनी में अनाज गोदाम में खुले में रखी गई हजारों क्विंटल धान की फसल बर्बाद, अफसर एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं लापरवाही का ठीकरा। मध्य प्रदेश के सागर में गोंडवाना एक्सप्रेस के एसी कोच में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग, स्टाफ की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। अयोध्या में शुरू हुआ श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यालय, राम मंदिर के निर्माण तक यहीं से चलेगा कामकाज। अयोध्या में जल्द राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय ने की अपील, प्रतिनिधिमंडल ने ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट सेवा बहाल होने से लोगों ने खुशी जताई, सरकार से की बाकी पाबंदियां भी खत्म करने की अपील। जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत, 12वीं तक के छात्रों को LGC मुर्मू ने बांटे कार्ड। उन्नाव में जानवर चोरी के शक में युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया, वीडियो वायरल होने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में स्कूल टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, हरकतों से परेशान छात्राओं ने शिक्षक को पेड़ से बांधा। हरदोई में अवैध हथियार से खुलेआम फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश।
मुक्तसर में दो गुटों के बीच झड़प के दौरान फायरिंग, गोली लगने से अकाली दल के नेता जख्मी। सहारनपुर में 12वीं के छात्र ने खुद को गोली मारी, खुदकुशी की वजहों से परिवार अनजान। रायपुर में 10 लाख की अवैध शराब बरामद, टाइल से भरे ट्रक में छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी। बाराबंकी में करीब 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली में चोरी की 5 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी बरामद, कैब के काम में घाटा होने पर ड्राइवर ने चोरी को अपना धंधा बना लिया। अकोला में दुकान का शटर तोड़कर करीब 1.25 लाख की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। संगरूर में मशीनी दुकान में भीषण आग, करीब 20-25 लाख का सामान खाक। महाराष्ट्र के जालना में स्टील प्लांट के बॉयलर में धमाका, 3 लोगों की मौत, 8 जख्मी। नोएडा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 382 लोगों की धरपकड़। उत्तराखंड के देवप्रयाग में 40 लाख की अवैध शराब जब्त, आलू से भरे ट्रक में छिपाई गई थी शराब।